हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन जो है पॉलीसाइफोनिया जो है जीनस वो करवा रहे हैं आपको, पॉलीसाइफोनिया। और पॉलीसाइफोनिया में जो कल अपन ने इसकी जो जनरल स्ट्रक्चर्स यानी थैलस स्ट्रक्चर्स अपन ने करवाई थी, आज जो है अपन इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इसकी रिप्रोडक्शन या जो जनन है वो इसमें विशेष प्रकार की स्पोरेंजिया के द्वारा होता है। तो सबसे पहले आज बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें वो टेट्रा स्पोरेंजिया या चतुष्की बीजाणु धानियों के द्वारा संपन्न होता है, जो कि डिप्लोइड होती है, द्विगुणित। यहां पे ये जो टेट्रा स्पोरेंजिया है ये किस प्रकार से बनती है इसकी अपन बात करते हैं। तो ये जो टेट्रा स्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट है उसमें सबसे पहले जो कोई पेरिसेंट्रल सेल्स है, पेरी यानी कि इसकी स्ट्रक्चर्स में अपन क्या देखते हैं, पेरिसेंट्रल सेल्स और यहां पे सेंट्रल सेल्स और फिर जो बाहर की ओर जो है पेरिसेंट्रल सेल्स। तो ये बाहर की ओर तो पेरी सेंट्रल सेल और अंदर की ओर सेंट्रल सेल। तो जब चतुष्की स्पोरेंजिया का या टेट्रा स्पोरेंजिया का निर्माण होता है तो ये कोई भी जो पेरी सेंट्रल सेल्स है इसकी ये स्पोरेंजियल या टेट्रा स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स के रूप में कार्य करती है। टेट्रा स्पोरेंजियल इनिशियल सेल के रूप में, यानी ये पेरिसेंट्रल सेल्स है ये किसमें, जो इसका साइज जो है इसी की लेयर में, यानी कि आपकी जो पेरिसेंट्रल सेल्स जो सबसे छोटे आकार की होगी वो टेट्रा स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स के रूप में कार्य करने लग जाती है। अब ये तो पेरिसेंट्रल सेल्स होगी टेट्रा स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स या चतुष्की बीजाणु धानी प्रारंभक कोशिका के रूप में कार्य करती है। अब इसमें क्या होगा कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होंगे, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन या अनुदैर्ध्य विभाजन। इस अनुदैर्ध्य विभाजन के फलस्वरूप जो है बाहर की ओर तो किसका, आउटर तो इन दो सेल का निर्माण होगा। आउटर सेल तो क्या कहलाएगी, कवर सेल, और जो इनर सेल है इनर सेल ये किसके रूप में, स्पोरेंजियल मदर सेल के रूप में। तो ये जो पेरिसेंट्रल सेल्स इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के फलस्वरूप बाहर को जैसे अपन यहां इसकी जो प्रारंभ कोशिका है ये तो कवर सेल के रूप में यहां पे, और अंदर की ओर जो है स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स यहां पे क्या बनेगी, स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स। स्पोरेंजियल
इनिशियल सेल। तो अब यहां जो कवर सेल है इसमें लगातार विभाजन और लगातार विभाजन के द्वारा जो दो से थ्री लेयर्स पेरिसेंट्रल सेल्स का या सॉरी कवर सेल का निर्माण हो जाता है, यानी कि इससे दो से तीन लेयर की जो है कवर सेल का निर्माण और अंदर की ओर जो ये स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स है इसमें क्या होगा, स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स सॉरी स्पोरेंजियल मदर सेल्स, इस स्पोरेंजियल मदर सेल्स में जो है अब ट्रांसवर्स डिवीजन क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन किसमें, इस स्पोरेंजियल मदर सेल्स में ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा या अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा इससे नीचे की ओर तो स्टाल्क सेल्स, यानी कि यहां अगर हम बना के देखें बताते हैं तो ये इसकी बाहर तो कवर सेल और अंदर की ओर जो है छोटी स्टाल्क सेल्स और यहां पे जो है ये स्टाल्क सेल या वरंध कोशिका और ऊपर की ओर स्पोरेंजियल स्पोरेंजियल सेल। तो ये दशा का मनी इस स्पोरेंजियल मदर सेल्स में ट्रांसवर्स डिवीजन होने पर जो है छोटी तो स्मॉल साइज की तो क्या होगी, स्टाल्क या वरंध कोशिका स्टाल्क सेल और जो साइज में बिग है बड़ी जो कोशिका है लार्जर सेल है वो क्या स्पोरेंजियल सेल। तो यहां स्पोरेंजियल स्टाल्क कोशिका कोशिका या वरंध कोशिका के साइज में तो वृद्धि नहीं होती है, लेकिन जो यहां स्पोरेंजियल सेल है ये लगातार विभाजन करके इसका साइज जो है बड़ा हो जाता है और साइज बड़ा होने के द्वारा जो इसमें स्पोर टेट्रास्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी स्पोरेंजियल जो ये सेल्स है अब ये किस प्रकार से आगे इनमें डिवीजन होता है उसकी बात करते हैं। तो ये जो स्पोर्स इसमें बने हैं ये स्पोरेंजियल सेल्स में ये इस प्रकार से कवर सेल और यहां पे मध्य में जो जो स्पोरेंजियल सेल्स बनती है इनमें मियोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप जो स्पोर है वो टेट्राहेड्रल कंडीशंस में अरेंज्ड रहते हैं, इस प्रकार से चतुष टेट्राहेड्रल। पहले तो जो स्पोर्स का मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप जो स्पोर्स का न्यूक्लियस है वो चार एक केंद्र की खंडों में विभाजित, फिर इसका जीव द्रव्य भी जो है चार खंडों में विभाजित हो जाता है और इस प्रकार से इनसे इन स्पोरेंजियल सेल से जो टेट्राहेड्रल या टेट्रा स्पोरेंजियम चतुष की बीजाणु धानी का निर्माण होता है जिसमें कि स्पोर्स टेट्राहेड्रल क्रम में व्यवस्थित या अरेंज होते हैं। अब ये जो स्पोर्स बन गए हैं टेट्रा, इनमें जो स्पोर होंगे वो क्या कहलाएंगे, टेट्रा स्पोर। तो इन टेट्रा स्पोर जो है वो क्या होंगे, डिप्लोइड
सॉरी प्लॉइड नहीं, हैप्लॉइड टेट्रास्पोर, हैप्लॉइड इसलिए क्योंकि ये मियोसिस के द्वारा बनते हैं। अब यहां ये कवर सेल के फटने पर जो है स्पोरेंजियम टेट्रास्पोरेंजियम से ये जो टेट्रास्पोर बाहर मुक्त हो जाते हैं और प्रत्येक जो टेट्रास्पोर की टेट्रास्पोर में जैसे कि 4N है ना, तो इसमें से 2 O N तो मिलके जो है मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे और जो 2N है ये फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो यहां इस प्रकार जो पॉलीसाइफोनिया में अपन क्या देखते हैं कि अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि पेरिसेंट्रल सेल से जो है एक पेरिसेंट्रल सेल से इसका टेट्रास्पोर का या टेट्रास्पोरेंजियम का फॉर्मेशन और टेट्रास्पोरेंजियम में जो है टेट्रास्पोर पाए जाते हैं और टेट्रास्पोर जो है कवर सेल के फटने से बाहर मुक्त हो जाते हैं और प्रत्येक जो टेट्रास्पोर है इसमें 4 बीजाणु 4 स्पोर्स जो है उनमें से 2N मिलके तो जो मेल गैमेटोफाइट और 2N मिलके फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। आगे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसकी बात अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी अपन उसमें करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।